नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही आप अपने पैरों को स्किन वाइटनिंग के रिजल्ट्स किस तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम हमारे स्किन का ध्यान देते हैं और पैरों का बहुत कम ध्यान देते हैं, पर हमारे पैरों पर भी कभी कभी डार्कनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है। पर आज मैं आपको बहुत ही अच्छे स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ अच्छा सा पेडिक्योर बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहला स्टेप आपको बता दूँ कि आपके पैरों के जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उन पर जो भी नेल पॉलिश का कलर चढ़ा है उसे नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से निकाल दीजिए और अपने पैरों के नेल्स को साफ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको गुनगुना पानी लेना है एक बड़े से टब में, जिसके अंदर आप अपने पैरों को बहुत ही आसानी से डुबो पाएंगे। और उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा शैम्पू मिला देना है। इस तरह से आपको 10 मिनट के लिए बैठना है इस पानी में पैरों को डालकर, और ऐसा करने से आपके पैरों की जितनी भी गंदगी है वो निकलने लगेगी। इसके बाद मैं आपको तीसरा स्टेप बता दूं, जब आपके पैरों को 10 मिनट हो जाएंगे टब में डुबोकर, तब अपने पैरों को बाहर निकाल लीजिए और किसी अच्छे से फूड ब्रश की मदद से अपने पैरों को अच्छे से घस लीजिए। ऐसा करने से जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो निकल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ। ये एक फूड स्क्रब है जो कि आपके स्किन से डार्कनेस को निकालेगा, टैनिंग को निकालेगा और आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइटनिंग वाले रिजल्ट्स देगा। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा और नींबू का रस। दोनों को एक समान क्वांटिटी में मिक्स करके अपने पैरों पर लगाते हुए अच्छे से स्क्रब कर लिए। बेकिंग सोडा जो होता है बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर माना जाता है आपके स्किन के लिए, और इसके बाद आपके जितने भी पैरों पर डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाएंगे और कालापन भी निकल जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ब्लीचिंग की तरह भी काम करता है और नींबू भी आपकी स्किन को अच्छे से ब्लीच आउट करता है। तो इस तरह से आपका ये स्टेप पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको पांचवा स्टेप बताती हूँ। जब आप अपने पैरों को अच्छे से धो लेंगे स्क्रब करने के बाद, तब अपने पैरों को अच्छे से सुखा लीजिए, और उन सूखे हुए पैरों पर अगर आप चाहें तो बादाम के तेल को भी लगा सकते हैं या किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र को भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो पैर हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाएंगे और स्किन वाइटनिंग के जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके पैरों पर दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था आसान सा घरेलू तरीका अपने पैरों को वाइट करने का। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।